Please subscribe our YouTube channel, Study Corner. Press the bell icon and never miss any update. स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम चंदन है और आज का वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के लिए। और ये लिस्ट तो आपको किताबों में मिल जाती है, सिर्फ लिस्ट काफ़ी नहीं है। अगर आप याद कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि मिट्टी का हल, तांबे का रथ, युगल सावधान, काली मिट्टी की चूड़ी, घोड़े की अस्थि का साक्ष्य, विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न। जैसे कि यहाँ चिड़िया देख रहे हैं, चिड़िया के चोंच में जो मछली है और नीचे लोमड़ी है, ऐसे पंचतंत्र की कहानी का सदृश जो भी है वो कहाँ से साक्ष्य मिला है, बहुत सारे पॉइंट्स जो कि 20+ हैं। तो इन्हें हम अब ट्रिक से आपको याद कराने वाले हैं। और आपको चैलेंज है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल कर दिखाइए जो भी इसमें पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों ये मेरे लिए भी चैलेंज है, मैंने मेहनत किया है इस वीडियो में आपको ट्रिक से याद करने के लिए। तो बिना देर के चले शुरू करते हैं और आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया का चित्र, ठीक है। और ये मिला है कहाँ से, लोथल से। चित्र भी देख लीजिए आप, ये एक्चुअल चित्र नहीं है जो वहाँ से मिला है, मैं ऐसे इमेजिनेशन आपके दिमाग में रहे इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इसमें ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोथल में सिर्फ थ हटा दीजिए तो आपके आपस रहा लोल, ठीक है। लोल जो कि क्या होता है, जो चिड़िया का चोंच होता है उसे हम लोग लोल भी कहते हैं। ये आई थिंक भोजपुरी वर्ड है या फिर हिंदी भी वर्ड हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन लोल जो होता है वो चिड़िया के चोंच को कहते हैं या फिर माउथ को भी कहते हैं। तो हमारे चिड़िया जार पर चिड़िया का चोंच जैसे ही आप देखेंगे तो आपके दिमाग में लोल आएगा, लोल फॉर लोथल। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से मिला है। इसका आंसर है चन्नू दरो। देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है, ये आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यानी कि कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। आप ये पढ़ेंगे चन्नू दरो, दौड़ रहा है, समझ गए। तो दौड़ रहा है फॉर चन्नू दरो, कौन दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है बिल्ली के पीछे, तो ये याद रहेगा। चोंच मतलब लोल, लोल फॉर लोथल, ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट है कांसे की नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति, और यह मिला है मोहनजोदड़ो से। हम सभी जानते हैं कि एक नृत्य होता है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल राज्य का है, केरल राज्य से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जब भी आपने कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा। तो मोहिनीअट्टम एक नृत्य है, नृत्य से हमें मोहिनीअट्टम कम से कम याद आ जाएगा। तो मोहन आगे लगा ही है तो मोहनजोदड़ो याद भी आ जाएगा। तो ट्रिक क्या होता है, एक छोटा सा हिंट होता है, वो हिंट अगर मिल जाए तो हमें आंसर भी पता चल जाता है। तो ये हो गया नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए और ये मोहनजोदड़ो जगह हो गया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। ये अवशेष कहाँ मिला है, ये मिला है हड़प्पा में। और इसे कैसे याद रखें, देखिए पुजारी एक वर्ड है पुजारी, और ये शंकर भगवान के यदि पुजारी हैं तो ये क्या कहेंगे, हर हर महादेव, समझ गए। तो पुजारी हैं जाहिर सी बात है, जयकारा लगाएंगे पूजा करेंगे तो हर हर महादेव जब कहेंगे तो यहाँ पे हर हर महादेव में हड़प्पा आपको बिल्कुल याद आएगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट पॉइंट तांबा का रथ, और यह कहाँ मिला है, ये मिला है दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, ये जीके आ सकता है, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो तांबा का रथ है, यह रथ लकड़ी का भी हो सकता था लेकिन लकड़ी का रथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसलिए यह तांबा का रथ है, स्ट्रांग है। यहाँ पे दैमाबाद को यदि हम अलग नजरे से पढ़े तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि दम्बा, दैमाबाद दम्बा, ये भोजपुरी वर्ड है और इसको थोड़ा सा अगर हिंदी में बोले तो कहेंगे बहुत ही स्ट्रांग है, इसको इसीलिए बोल रहे हैं इसको दम्बा। तांबा का रथ है इसलिए दम्बा, यानी कि दैमाबाद। आई थिंक दिक्कत नहीं होगा आपको, याद तो आना ही है। आगे बढ़ते हैं युगल सावधान, यानी कि कपल बड़ियल, ये मतलब कहाँ मिला है, तो इसका आंसर है लोथल में। देखिए युगल को हम कहेंगे कोपल, मैंने कपल कहते हैं, मैंने जानबूझकर कोपल लिखा है, क्यों लिखा है आपको मालूम है, ये से थोड़ा सा रिलेट करने के लिए। यदि इसमें से व्यंजन वर्ण हटा दे, व्यंजन वर्ण क्या होता है, क ख ग घ, ये सब व्यंजन वर्ण होता है, इसमें छिपा हुआ स्वर वर्ण होता है जैसे अ आ हर्षई दीर्घ ये सब, तो सिर्फ स्वर्ण वर्ण देखिए तो क्या लिखा ओ अल, ओ अल, यहाँ भी क्या लिखा है ओ अल। लोथल कोपल, कोपल मतलब कपल, युगल सावधान के लिए ये हिंट है, आपको कैच करना है, एडजस्ट करना है, आपको याद आना चाहिए।
तो युगल समाधान कपल कोपल लोथल, समझे बात को? आई थिंक काम हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जूता हुआ खेत। और जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है यह साक्ष्य? यह मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ये भी आप जानते चलिए साथ ही साथ। लोथल कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। हम बात कर रहे थे जूता हुआ खेत जो कि कालीबंगन। थोड़ा सा इसको पढ़ने का नजरिया चेंज करते हैं, काली बंगन को कर देते हैं काली बैगन। काली बंगन नहीं, काली बैगन। अब इसकी खेती करनी है तो जाहिर सी बात है हमें जूता हुआ खेत चाहिए ही। तो जूता हुआ खेत में हम क्या मिलेगा, हमें क्या फसल उगानी है? तो काली बैगन। ठीक है, आपके ऑप्शन में गेहूं चावल नहीं मिलेगा, आपको काली बैगन देखने को मिलेगा क्योंकि ये जगह का नाम है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है गोदी बारा यानी कि डॉक यार्ड। और यह कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। इसे याद करने का फिर से हम नज़रिया चेंज करेंगे। इस बार हम लोथल को करेंगे कोई व्यक्ति जो लोथ हो। लोथ मतलब हाथ पैर से विकलांग हो, अपंग हो, चल नहीं पा रहा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, हाथ हाथ से भी दिक्कत है, पैर से भी दिक्कत है। यदि ये गिर जाए तो हम इसको कैसे ले जाएंगे? कोई वाहन भी ना हो तो जाहिर सी बात है हम इसे गोदी में उठा के ले जाएंगे। तो लोथल, यहाँ पे लोथ कर दिए, अपंग है, चल फिर नहीं सकता है, इसी लोथ को हम लोग कैसे ले जाएंगे? गोदी में उठा के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। R37 कब्रिस्तान। आगे में R37 लगा हुआ है, इसका एक टाइप है। और ये R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है उस समय यानी कि इंदुस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। और यह मिला है कहाँ से? ये मिला है हड़प्पा से। मैंने हड़प्पा का ट्रिक आपको बताया था कैसे, हर हर महादेव करके, यानी शंकर भगवान से रिलेटेड। तो यहाँ भी शंकर भगवान को ही लाएंगे। शंकर भगवान जो कि शमशान घाट से संबंधित है, मतलब भस्म लगाते हैं शरीर में, जानते ही हैं। तो भस्म कहाँ से? वही शमशान घाट वाले। तो यहाँ से कब्रिस्तान यानी कि शमशान घाट, और हर हर महादेव जब कहेंगे तो ये हो गया हड़प्पा। तो कब्रिस्तान, शमशान, हर हर महादेव, हड़प्पा, बहुत ईजी है, याद आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आटा चक्की। और इसका साक्ष्य मिला है लोथल से, बहुत ईजी है। लोथल का मैंने भी याद कैसे कराया था आपको, थ हटा के ये हो गया लोल। लोल मतलब क्या होता है? अगर चिड़िया है तो लोल मतलब इसका चोंच हो गया, अगर आदमी है तो उसका माउथ हो जाएगा, मुंह। तो आटा चक्की से जो चीज़ भी आटा निकलता है, या तो रोटी उसमें बनता होगा, हलवा बनता होगा, जो चीज़ बनता होगा उसमें लोग माउथ से ही खाते हैं, यानी लोल से खाते होंगे। तो ये लोल हो गया, आटा चक्की से बना हुआ चीज़ लोल से खाते हैं। बिल्कुल ये क्लियर है बिना किसी दिक्कत के। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे काली मिट्टी की चूड़ी, और यह मिला है काली बंगन से। चूड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंगल इंग्लिश में। चूड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैंगल। तो हो गया हमारा बैंगल मतलब कि काली बंगन इधर है और हमारा काली बैंगल इधर है। काली बैंगल, काली बंगन, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे आप हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिला लेख मिला है। ये कहाँ मिला है? धौलावीरा में। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखें? शिला, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर, समझ गए? और यहाँ पे धौलावीरा, यहाँ पे धूल जैसा वर्ड लिखा हुआ है, धूल वीरा, धौलावीरा, धूलवीरा। तो जो पत्थर होते हैं इनको यदि क्रश करेंगे, इनको पीस देंगे तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे धूल कण मिलेंगे। इसे क्या पता चल रहा है कि छोटे छोटे धूल कण से ही पत्थर बने होते हैं। क्लियर। तो हड़प्पाई लिपि के 10 आकार के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख जब पढ़ेंगे, शिला मतलब पत्थर और पत्थर धूल कण से बनाते हैं, धूल से धूलावीरा। ये कहाँ पे है? ये जगह, ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है विशाल स्नानागार एवं अन्नागार। साथ ही साथ इसे भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों का आंसर एक ही है, घरों में कुएं। ये दोनों का जो साक्षी मिला है वह मिला है मोहन जोद्रो से। मोहन जोद्रो याद करना है, याद तो वैसे पहले से है, बहुत बार आप नाम सुने होंगे। मोहन जोद्रो को आप कह लीजिए महान जोद्रो, महान, बहुत ही महान काम कर रहा है, महान व्यक्ति है, ऐसे कुछ महान। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, मतलब कि आकार को बता रहा है या फिर जो भी बता रहा है, ये बता रहा है, ये महान विशाल, बात समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब ये कैसे रिलेटेड है? देखिए कुएं को इंग्लिश में कहते हैं वेल। इंग्लिश में सेंटेंस बनाया जाए अगर वेल मतलब बहुत अच्छा ऐसा सोच करके तो होगा यू आर डूइंग योर जॉब वेरी वेल, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यह महान जो है इसको ग्रेट वर्ड से रिलेट करके एक सेंटेंस बनाया जाए, वही जॉब को लेके, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आप महान काम कर रहे हैं। हल्का सा सिमिलरिटी तो आपको फील हो रहा होगा, वेल जॉब, अच्छा काम, ग्रेट जॉब, महान काम, विशाल, महान। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए आपको।
कोशिश कीजिएगा नहीं भूलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। उन्नत मतलब एडवांस हो गया, जल प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, प्रणाली मतलब सिस्टम, सिस्टम को हिंदी में पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, मेन हमें देखिए जल है, जल इसका आंसर है धौलावीरा। जल से हाथ क्या होता है, धुला, किसी को पानी मांगते हैं भाई पानी ला, हाथ धुला मतलब जल ला, हाथ धोना है तो धुला, धौलावीरा। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट है ईंटों का अलंकरण, अलंकरण मतलब डेकोरेशन, और यह मिला है कालीबंगन में। कालीबंगन को मैंने कैसे आपको याद कराया था, काली बैगन करके, तो काली बैंगन की सब्जी बन जाए या फिर चोखा बन जाए तो हम इसे क्या करेंगे, खाएंगे। खाएंगे मतलब उसे ईट करेंगे, ईट मतलब EAT, यहाँ पे एक्चुअली ब्रिक्स मतलब होता है लेकिन हमें याद भी तो करना है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ईट मतलब खाना हो गया। क्या खाना है, काली बैंगन का चोखा या काली बैंगन का भरता, सब्जी जो बोले। तो हमें ट्रिक से देखना है ईट करने वाला चीज़ क्या है ऑप्शन में, वो मिलेगा काली बैंगन। नेक्स्ट है घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़े की हड्डियाँ, ये कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है, इसका आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में सुर जो वर्ड है ये आपने सुना होगा, सूरवीर, महान राजा सूरवीर, ये तारीफ में ऐसे वर्ड कसीदे जो है गढ़े जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, घोड़े का इस्तेमाल करने वाले जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत ही सूरवीर होते थे, महान होते थे, ऐसे कुछ। तो घोड़े सूरवीर, सुरकोटदा, ये आपको याद दिलाएंगे हमारे वर्ड जो भी है मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना कांसे का पैमाना है और एक तांबे का पैमाना है, तीन को पैमाना मिला है। अगर सिर्फ पैमाना पूछेगा तो पहली बार पैमाना कहाँ पर मिला है तो इसका आंसर लोथल होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, हाथी दांत का पैमाना सबसे पहले कहाँ मिला, तो इसका आंसर है लोथल। याद करना बहुत आसान है, हाथी दांत ऐसे तो बाहर में दो होते हैं, खाने के और दिखाने के, और तो खाने वाले दांत की यदि बात करें हाथी दांत तो जाहिर सी बात है वो लोल में मिलेगा, चिड़िया का चोंच, आदमी का माउथ और हाथी का भी माउथ ही होगा ना, तो हाथी दांत कहाँ मिलेगा, हाथी के माउथ में यानी कि लोल में मिलेगा। तो ये क्लियर। नेक्स्ट है कांसे का पैमाना, कांसे का पैमाना कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मोहनजोदड़ो में। कांसे, कांसे को कह लीजिए कंस, पैमाना कह लीजिए पैमामा, कंस मामा, और मोहन कृष्ण भगवान का दूसरा नाम, मोहन कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, बहुत सारा नाम है श्यामा, तो कंस मामा पैमामा पैमाना और ये मोहन जोत्रों में मोहन श्री कृष्ण भगवान के लिए, यहाँ से ये रिलेटेड है, आप ये जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना का ट्रिक मैं नहीं सोच पाया हूँ, आप इसका ट्रिक बना के हमें कमेंट बताइएगा। लास्ट पॉइंट है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, और इसका आंसर है बनवाली। बहुत सिंपल, ये जो प्रतिकृति मतलब ये खिलौना जो मिला है, क्या चीज़ का खिलौना मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की, हल मतलब जो किसान जो हल से खेत जोतते हैं ना वो वाली बात कर रहे हैं। तो ये हल मैंने खिलौना किसी से बनवा ली, क्या चीज़ से बनवा ली, पक्की मिट्टी से बनवा ली, कोई कलाकार से बनवा ली, अब बनवा ली जगह भी है, तो ये क्लियर। जो मैंने नहीं बनाया उसका आंसर भी देख लीजिए, हड़प्पा है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको ट्रिक करके हमें कमेंट करके बताना है, तांबे का पैमाना कहाँ मिला है, हड़प्पा में, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। चलिए कुछ MCQ टेस्ट लगाए मैंने आपके लिए ताकि ये रिविजन हो जाए, हालांकि MCQ टेस्ट सिर्फ 6 क्वेश्चन है, आपके पास ये 20 से प्लस पॉइंट्स हैं, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकुटदा, बनवाली, लोथल, कालीबंगा। मैंने कहा था ना घोड़े की अस्थि, घोड़े पे कौन जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर, तो आपको यहाँ पे सुरकोटदा दिखाई देगा, RRB NTPC 2021 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, कालीबंगन मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा राजस्थान। कालिया ये जो डाकू होते हैं मतलब उनका अपना स्थान होता है राज करने के लिए, तो इसलिए राजस्थान, कालिया डाकू, ऐसे कालीबंगन याद रखिए राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, मतलब कि एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इसका पता चला है, वो कहाँ पता चला है, ये 46th BPSC 2004 में एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था ना जल है, और तो जल मैंने मंगवाई है किसी से धोने के लिए, ये हो गया धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ये CGPSC छत्तीसगढ़ PSC एग्जाम पूछा था 2013 में।
तांबे का रथ मैंने कहा था लकड़ी का रथ थोड़ा कमज़ोर होता है, तांबे का रथ है मतलब कि इसमें मजबूत है, स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही दम होगा, इसलिए ये दैमावाद। उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा, हमसे पहले आप आंसर दे रहे होंगे। नेक्स्ट, किस हड़प्पा काली नस्ल से मृत्यु वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? 39th BPSC 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको बताना है। मैंने बताया था नृत्य वाली, नृत्य से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोई ऐसा नृत्य का नाम जो इसमें लिखा हुआ है, मोहन जोद्रो से मोहिनीअट्टम याद आएगा, ठीक है। ऐसे भी नृत्य वाली स्त्री जो है नृत्य करती है, किसी को मोह लेती है, मोहन जोद्रो, ऐसे भी याद आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यानी लास्ट MCQ, आटे की चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिला है? SSC CPO में पूछा है, जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम है 2003 में। इसका आंसर क्या है? आटे की चक्की, जो भी इसमें से आटा बन के आएगा, निकल के आएगा, उसका रोटी बनेगा, हलवा बनेगा, पराठा बनेगा, जो भी बनेगा, उसे हम लोग कहाँ खाएंगे? माउथ में खाएंगे। माउथ को हम लोग लोल भी कहते हैं, यहाँ पे लोल है, लोथल। और इसी के साथ ये वीडियो का समापन होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ ऐसा आपको लग रहा है वीडियो अच्छा था, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, ट्रिक अच्छे थे, तो आप क्या करेंगे? हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे करते हैं आपको मालूम है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कभी यही कहते हैं ना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, यही करो, आप भी कर दीजिए ना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही जय, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।